विवाह होगा। और घोषणा ये हो रही है कि जो तोड़ने वाले हैं वो भाग जाए और देखने वाले बैठे रहे। तो क्या यज्ञ ये पूरा हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं होगा। तो विद्वान उत्पन्न है। अब भागना किसी को नहीं है, आप सभी को बैठ करके सुनना है और समझना है। वार्ता इनसे हम करते हैं। पौलस कुलभूषण कंचन नगरी के सम्राट, विश्व के वैभवशाली नृपाल, लंका के भगवान, उद्भट विद्वान, लोग कहते चार वेद छह शास्त्र, ना जाने कितने पुराणों के आप ज्ञाता है। तो उद्भट विद्वान विप्र वंश अवतंश श्री रावण जी, जय जय भोलानाथ की। चलाने करते हो अर्चना पत्थर से धर के, पुत्र दानी ध्यान देना, पुत्र दानी दलित वर्ग रक्षक तुम, और तुमको लगी मम दक्षिण भुजा पर की, विभाव से विभूषित कर बांधो जय शंकर की। अभी अभी आपके द्वारा व्यक्त की गई अभिव्यक्ति को सभी ने सुना, सभी प्रभावित हुए। अच्छी बात को सुनकर के सभी प्रसन्न होते, मैं भी प्रभावित हुआ। आपने कहा कि जो अजगों को तोड़ने आए हैं वो कृपया चले जाए, ऐसे नहीं, कृपया नहीं, अभी रख दो, वो भाग जाए, भाग जाए। अर्थात परीक्षा कहीं होती है, प्रतिभागी भाग लेते हैं और परीक्षा बिना दिए हुए परीक्षार्थी लौट जाए, परीक्षा का कोई महत्व है नहीं है। इसलिए इस संबंध में मेरा एक सुझाव है आपके लिए, ऐसा प्रतीत हुआ यहां सभी को कि आप अजगों के रक्षक बन करके यहां उपस्थित हुए, क्योंकि कोई तोड़ेगा तो आप हाथ काटेंगे, किसी के पैर काटेंगे, किसी का सर काटेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि आप अजगों के रक्षक बन करके उपस्थित हुए। तो इस परिप्रेक्ष्य में मेरा सुझाव कि तुम हो उद्भट विद्वान, ज्ञान और प्रज्ञा खोलो, शास्त्र आज तुम शास्त्रों के विपरीत न बोलो, जिसको उपजाकर ये वसुधा हो गई है धन्या, जिसने अजगों को उठा लिया क्या वो साधारण है कन्या। इसलिए इस मांगलिक बेला का दशकंधर तुम सम्मान करो, वसुधा की बेटी सीता का अपने हाथों कन्या दान करो। ब्राह्मण हो, ब्राह्मण हो, ब्राह्मण को यह समूचा जगत भूसुर कहता है, पृथ्वी का देवता कह करके पुकारा जाता है, महिदेव कहा जाता है, देवताओं की श्रेणी में आते हैं ब्राह्मण। तो यदि ब्राह्मण हो तो कर्तव्य निभाओ, तो घर घर में पूजे जाओगे, घर घर में तुम्हारी पूजा होगी, सभी पूजा करेंगे। और पंडित जी चले विपरीत यदि इसके, तो फिर संसार में थूके जाओगे। इसलिए बलिनंदन के शब्दों को दसमुख अपने उर में रख लो, और अजगाव की रक्षा क्या करोगे, पहले अपनी ही सुरक्षा कर लो। हमारी रक्षा करने वाला मैं भी कौन है, माइक लाल आप देखे, हम तो रक्षा किए ही है। बहुत अच्छी बात कही, मैंने एक बात रखी थी, मैंने एक बात कही कि तोड़ने वाले चले जाए, तोड़ने वाले चले जाए और देखने वाले बैठे रहे। बात इतनी है के लिए कि तोड़ने वाले चले जाए और देखने वाले बैठे रहे। श्रीमान जी आए, राजा जनक के हमदर्द बन के, राजा जनक की तो हिम्मत नहीं पड़ी, ये हमदर्द बन के आ गए हैं। कहते बात बिगड़ने वाली है, क्या कहा था कि बात बिगड़ने वाली है, तो क्या बात बिगड़ेगी तो क्या हम शांत रहेंगे, क्या बिगड़ जाए कितनी बिगड़ेगी, हम तो इसी पे फिर ही रहे, बिगड़ेगी कितनी बिगड़ेगी। कहते हैं कि वो धनुष के रक्षक बन के आए हैं, धनुष के अजगों के रक्षक बन के आए हैं,
मैंने कोई विरोध नहीं किया, समझने की बात है, थोड़ी सी बुद्ध दौड़ाओ। मैंने कहा तोड़ने वाले मिले जाए, देखने वाले बैठे रहे, तो तोड़ने आया है पर टूटता है। एक बात तुमने यूं कही थी, कला को साधारण नहीं है, जिसने अजगों को उठा लिया वो साधारण कल्या नहीं है, जिसने अजगों को उठा लिया। तो राजा झलक के लिए ऐसी कोई घोषणा की गई है क्या? तो साधारण के लिए ना हो, बात स्वीकार कर लेंगे कि राजा झलक के द्वारा कोई साधारण घोषणा साधारण वालों को की गई हो, हम बात तुम्हारी दोनों हाथ उठाकर स्वीकार करेंगे। कहते हो बुद्ध खोलो, ये उपदेश हमें ना दो, उपदेश दे जाके अपने बाप का, हमें उपदेश न दो, बुद्ध खोलो। भाई बुद्ध खुली हुई है, इससे मैं कहता हूँ कि शांत की जलबद्ध करता, शांत की जलबद्ध करता, यद पाताल का वासी चलेगा, चलेगा उमर घुमर घन बाजेंगे, उमर घुमर कर घन बाजेंगे, चाहे और अंधेरी छाएगी चाले चल जाएगी, देख करके कांत ज्वाला और सामर का खंडर चलेगा, तो कांत के ज्वाला जागर ये लक का वासी चलेगा, ये लक का वासी चलेगा। वाह, ब्राह्मणों ने कब से खंजर चलाना शुरू कर दिया? वैसे पहले तो ये सुना है कि ब्राह्मण सीधी जात, भला क्या लड़ना जाने, जो कुछ छूले पैर तुरंत आशीष बखाने। और ये पंडित जी खंजर वाले ब्राह्मण हैं, देखो दर्शन करो इनके, क्या कह रहे हो कि हम अपनी सुरक्षा कर लेंगे, ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा है रावण जी। वैसे सत्य ये है कि जो भी आया है संसार में, जो भी आया है जगत में, जो हुआ पैदा उसे एक रोज जाना है, जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका विनाश होना है, ये सुनिश्चित होता है। बोले हम अपनी रक्षा करेंगे, तुम कुछ नहीं करोगे। एक बात और सुनो, क्या कह रहे हो कि ये कह रहे हैं बात बिगड़ने वाली है, जब तुमने कहा हम हाथ काटेंगे, पैर काटेंगे, सर काटेंगे, तो हमने कहा हो सकता है बात बिगड़ जाए, मैं नहीं बिगड़ने वाला हूं, बात तुम्हारी ओर से बिगड़ने वाली है। क्या कह रहे हो? ब्राह्मण का खंजर चलेगा यहाँ पे। एक बात ध्यान रख लेना, तुम्हारी तो कोई शक्ति ही नहीं है, विश्व में ऐसा कोई सन नहर नहीं है जिस समय तक मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और यहाँ उपद्रव हो जाए, कदाप नहीं। तुम्हारी कौन शक्ति है, तुम्हारी कौन शक्ति है, उपद्रव तुम बचाओगे, करूंगा तुम गति में। फिर पंडित जी छठी की याद लाओगे, तुम्हें ही काक में बाली ले, हम जानते तुम जैसे नाहर हो, और जाना हमने तुम्हारे विषय में, तुम्हें ही काक में बाली ले, अरे दबाया याद क्या भूले, और बंधे घुड़साल में जब थे वहां पर क्यों नहीं भूले, जरूरत वहां थी। इसलिए ध्यान रखना, मैं अग्नि की प्रचंड ज्वाला हूं, अरे इसका महासागर और भूचाल का वेग हूं, प्रारब्ध का चक्कर, जब तक हृदय में शांति है तब तक मलय हूं मैं, और भर गया यदि क्रोध में तो फिर प्रलय हूं मैं। मैं कहता हूं, तुम कहते हो कि गोस्वा में बांधे गए, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो हुआ होगा, जब हुआ होगा। आज स्थिति मारी क्या है कि प्रतिभट खोजत कता न पावा, आज हमारी स्थिति ये है, तो हमारी चक्कर न पड़ो। और कहते बाबा बाप
बार बार जो वीरता की बात करते हो तो मैं कहता हूँ कि चरंत के जपत करता शांत के जपत करता या पाताल का वादे चलेगा चलाओ चागल चलाओ चागल ये लंका बाजी चलेगा ये लंका बाजी चलेगा उमर घुमर कर घर बाजेंगे जब और अंधेरी छाएगी जो जाने तर चाहेगी फिर देख करके कांत ज्वाला अरे रावण का कंजर चलेगा तो गाज के चलाओ चागल ये लंका बाजी चलेगा ये लंका बाजी चलेगा। देखो ये खंजर तुम्हारा काम करने वाला नहीं है। अरे मुझे छेदे मुझे भेदे ये नहीं है तीर में शक्ति और चकलने की पकड़ने की। अरे नहीं जंजीर में शक्ति नहीं है भाई में शक्ति। अरे मुझे ऊपर उठाने की और नहीं है नाक में शक्ति मुझे दस्कर सुलाने की। आज रक्त सरता को बहूंगा आज रक्त सरता को बहूंगा आराय करके क्रोध प्रचंड में खट खट कर दूंगा तेरे सारे पाखंड में। और मैं कहता हूँ कि मेरे हाथों पटकाए पत्त मेरे हाथों पटकाए पत्त और ये एक मनाउती है और ज्यादा पीरो तो निकल चलो तू तो यहाँ तू जाए क्या चलो तो क्या? तो हाथ तू जाए इधर निकल चलो मिथिला के बाहर तुमको खुली चुनौती है। अरे मंत्र पाला चल मोचे मंत्र पाला चल मोचे राम बड़ा मतवाला है और फिर नीचे ही पता चलेगा बड़ा किसी से पाला है। फिर देखूंगा इस मिथिला में फिर देखूंगा इस मिथिला में किसके पने पपौती है। चलो निकल चल तुझे यहाँ ठीक है। अच्छा मान अभिमानियों का तुम जैसे अभिमानियों का माल अभिमानियों का अरे धूल में मिलेगा आज। अरे कौन भीर माखन लाल अरे आएगा सबर में होगी रक्त रंजन ये मिथिला की मही आज त्रास त्रास बन जाएगा समस्त विश्व में मौत बन जाएगा विश्व द्रोहियों का अक्रांत बन जाएगी समस्त विश्व में धधक उठेगी विश्वव्यापी अनलाज। आज यदि बालासुर ने धनुष ले लिया कर में क्या कहते हो निकल चलू। अब तलक था शांत बाल अभी तो शांत था अब तलक था शांत बाल और अब शांत नहीं रह पाएगा और गए नहीं यदि मिथिला से तो युद्ध भी मच जाएगा। ललकार रही है रणछट्टी आज कहती स्वयं भगवती है निकल चलो मिथिला के बाहर दस खंडर खुली आओ इधर आओ उधर कहाँ जाओगे उधर वो अवरोधक लगा इधर आओ इधर देखे तुम्हें कितने नहार हो हम तुम्हें देखे आओ उधर कहाँ जाओगे फांद के अवरोधक है। वास्तव में एक बात मैंने देखी विद्वानों का कथन है कि यश नाश स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस करोत किम अर्थात जिसके बुद्धि नहीं है शास्त्रों के पठन पाठन से उसे कोई लाभ नहीं मिल सकता। कैसे बोले जैसे अंधे को दर्पण दिखाया जाए तो क्या उसे दर्पण का लाभ मिल सकता। यही स्थिति इनकी है कह रहे इधर चलो इधर अवरोधक लगा हुआ है दिखाई नहीं देता सावधानी हटी तो पंडित जी दुर्घटना घटी। कहते हैं बुद्धि नहीं है का जो बुद्धिमान ना हो उसके साथ ऐसा नहीं का बताओ कितने बड़े बुद्धिमान है जानो इधर जाना चाहिए इन महिलाओं के बीच में छुपके बैठ जाएंगे मार भी नहीं पड़ पाएगी। इधर चलो आज महिलाओं के बीच में क्या है अरे इधर निकल चलो। इससे कहता हूँ कि बेटा पलके लाड़ी लड़ाईते बेटा पलके लाड़ी लड़ाईते मत करो कामना दानी का और नहीं तो बेटा पता चलेगा जौहर चोर जमानी का। ये गुरु शंकर का अपमान हो रहा ये गुरु शंकर का अपमान हो रहा अरे पाला तो तेरे परिस जमानी में इससे अच्छा तुम डूब मरो।
अच्छा तुम डूब मरो चिल्लो बाल पानी में, ये जिद्दत इसके अंतम पता, ये जिद्दत इसके अंतम पता, वो जिसने कल्याण किया है वो समझ लिया क्या इसे खिलौना, जो ऐसा पर ठान लिया है मत समझो, मत समझो इसे बुलबुला पानी का, नहीं तो बेटा पता चलेगा जौहर चोर जमाने का, या तो ठेल गए यहाँ किसी के, या तो ठेल गए यहाँ किसी के, तो काट काट लो कर दूंगा पिछड़ा दूंगा बाण आज मैं नर्तन तुम्हें भवानी का, नहीं तो बेटा पता चलेगा जौहर चोर जमाने का। अच्छा ये बताओ, बड़ी प्रसन्नता हुई हमें आपकी वार्ता को सुन करके, धन्यवाद देना चाहता हूँ। कह रहे गुरु शंकर का अपमान हो रहा, वाह लंका में कब से गुरुओं का सम्मान होने लगा, मैंने तो ऐसा सुना है, मैंने ऐसा सुना है रवड़ी, शुभ आचरण कतौ नहीं होई, देव विप्र गुरु मान कोई कोई नहीं मानता, और तुम गुरु के अपमान की चिंता करते हो। अरे ओ लंका के भगवान, अरे ओ लंका के भगवान, सुनो अपनी करनी का गान, उठाया सैल उमापति का, किया था तूने कौतुक अतिका, किया था निज गुरु का अपमान, अरे ओ लंका के भगवान, कहते कुछ हो करते और हो, क्या कह रहे हो चुल्लू भर पानी में डूब के हमें मरना चाहिए और तुम्हें नहीं मरना चाहिए, अरे गौ विप्र सताए जाए जहां जहां ब्राह्मणों गौओं की हत्या हो, इन पर अत्याचार हो, गौ विप्र सताए जाए जहां, अरे धक्कार है उस राजधानी में और है वीरता की लाजगल, इधर देखो तो डूबो चुल्लू भर पानी में, तुम्हें डूब कर मरना चाहिए, कहते हो किस तो पर आचरण कतौ नहीं होई, एक मिनट, अच्छा अच्छा, कहते हो शुभ आचरण कतौ नहीं होई, तो क्या हमारे यहाँ शुभ आचरण नहीं होते, तुम्हारे यहाँ नहीं, क्या हमारे यहाँ लंका में शुभ आचरण नहीं होते, तुम्हारे यहाँ सुनाना कैसे होते, अरे मैंने खुद किया है, क्या तीन विभिन्न तब तीनों भाई क्या सुभाषचंद्र नहीं है, निश्चितों को काट काट मैंने शंकर को पूछा क्या सुभाषचंद्र नहीं है, हुआ हमारा भाई विविधता गुलम करता ही ना, मान लिया हमारा भाई विविधता को करता ही ना, पहले ये बताओ तुमने तपस्या की तुम्हें वरदान मिला उसी से ये वैभव मिला, लेकिन पंडित जी जो पिता पुत्र का लालन पालन करता है क्या पुत्र उसी की हत्या कर दे, कैसे कैसे तुमने तपस्या की वैभव मिला स्वार्थ सिद्ध हो गया फिर क्या किया, बोले जप जोग वीरागा तप मख भागा श्रवण उठे दस शीशा आपुल उठ धावे रहे न पावे धर गहलाए सब खीसा, तो तुम जिससे तुम्हें वैभव मिला उसी की तुमने हत्या की, अगर ऐसा कोई करता है तो वो कौन होता है, कहा है जैसन नीच बलपन पावा सो हठ प्रथम ताह दसावा, वो नीचों की श्रेणी ठीक है, कहते हैं देखो बहुत अच्छी बात है, देखो देखो थोड़ी बात हो जाए आपके से बहुत कम मिलते हो जाए, एक तो बहुत मिलते हैं बहुत लेट में हो, आज तो मिले हो तो थोड़ी बात हो जाए हमारी आपकी, क्या जय जय जय, समय है समय हो गया, चलो फिर वार्ता करेंगे, चलो कोई बात नहीं, पॉलस मेरे पुरपनाकी के पावन पिनाक, समय समयानुसारी ही सभी वार्ताएं अच्छी लगती, अभी और भी कार्यक्रम शेष है, अभी आप देखें मेरे पूज पिनाकी के पावन पिनाक, अब बलिनंदन आपसे कुछ नहीं विनय कर रहा है, मम विनय पे अजगो चित देना, मम विनय पे अजगो चित देना, गर्मेर सुमेर से भी हो आप गर्वताई और अब ले आना, तुम महादेव के महामज मतमान ध्वरस्यों का करना, असुरों के तुम हो संहारक इसलिए न उनसे उठ जाना, असरों के कर से उठ करके तुम हसीन अजगव करवाना,
मम बिने पेज को चिद्दीना मिथिला प्रांगण में आए हुए देश देशांतर के नेपालो वालासुर के शब्दों पर ध्यान दो। ये गुरु शस्त्र रखा है वेदी पर और शीशी मात का नाता है। इस असमंजस में बालासुर सोलत पर वापिस जाता है। एक बार सभी भक्त समुदाय देखिए, भगवान के नाम का जयघोष करने में कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें ये हाथ कैसे मिले हैं? परमात्मा से दान स्वरूप मिले। तो जो जिन भाइयों के हाथ है, परमात्मा ने हाथ दिए हैं, अपने दोनों हाथ उठाइए उठाइए सभी लोग। तो मैं भगवान शंकर की सौगंध, एक बार सभी बोलेंगे, बोलिए शंकर भगवान की। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। आराम है, हम ये कह रहे जा रहे। बकपति बड़ा छुट से जाने कहा का की बातें करता रहा, लेकिन जिसकी खोज में आया था आज को तुमको अंतिम प्रणाम।